पानी का फ्लो इतना तेज हो गया था कि वो फिर और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे। राजधानी दिल्ली में बीती शाम एक झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई। ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे एक नामी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे तीन होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है। सिस्टम की लापरवाही पूरी तरह से उजागर हो गई। समय रहते नालों की सफाई की गई होती तो ये घटना नहीं होती। देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शाम के वक्त इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका भी बारिश से भीग रहा था। थोड़ी ही देर की बारिश से हालात खराब हो गए। नालों में पानी भर गया। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। बेसमेंट के बाहर पानी पूरी तरह डेरा जमा चुका था। हर साल दिल्ली में एक जोरदार बारिश ही उसे घुटनों पर ले आती है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के बाहर ही सड़क में पानी भर गया और उसकी धार बेसमेंट की तरफ मुड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। लाइब्रेरी में मौजूद छात्र, जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी में जुटे थे, अचानक से पानी के प्रचंड प्रहार की वजह से फंस गए। पानी ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हादसे के बाद बेहद ही दहशत में भर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये उसी बेसमेंट का वीडियो है। मंजर कितना भयानक है आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेसमेंट में दरिया बह रहा है और इसी दरिया के बीच कई छात्रों की चीखें दब गईं। दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में राव आईएएस स्टडी सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। शाम 6:40 पर पुलिस और एनडीएमए को फोन किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बेसमेंट में पानी पूरी तरह भर चुका था और तब तक तीन छात्र जान गंवा चुके थे। बाद में उनके शव बरामद किए गए। हादसे में जिन तीन छात्रों की मौत हुई है उसमें केरल के रहने वाले 28 साल के नवीन डालविन, यूपी के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया यादव और 25 साल की ही तानिया सोनी है। हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिजनों को मिली, कोहराम मच गया। परिजन कोचिंग संस्थान और प्रशासन की भारी लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं गई या ना परिवार को गई कि इस तरीके का हादसा हुआ? न्यूज चैनल पे देखने के बाद खुद आ पाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई अधिकृत जानकारी मुझे नहीं दी गई, ना परिवार वालों को दी गई, किसी को नहीं दी गई। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इस पे? नहीं, पहले तो कोचिंग सेंटर वाले, हम एडमिशन बच्चे का कराएं कोचिंग सेंटर में, तो पहले जिम्मेदारी तो कोचिंग सेंटर की बनती थी कि वो हमसे बात करता। ठीक है, जब मैंने कोचिंग सेंटर वाले को फोन किया और उसे पूछा कि इस घटना में जो मौत हुई है तो उसमें क्या श्रेया यादव का भी नाम है, तो उन्होंने बोला कि अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। अच्छा। जैसे हो पाएगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं, हादसे के पीछे किसकी आप लापरवाही मानती है? जो पानी भरा बेसमेंट में और ये हादसा हुआ, उसके पीछे किसकी लापरवाही? नहीं, अब वो लापरवाही तो मैं नहीं जानता अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, पानी कहाँ से आया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि कम से कम जो भी कोचिंग सेंटर के संचालक हैं उनकी एक जवाबदेही सबसे पहले नंबर पर बनती है। और मैं कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं को अगर रोकना है तो ऐसी घटनाओं में सबसे पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उस कोचिंग संचालक के चेयरमैन पर निश्चित रूप से दर्ज होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त बेसमेंट में पानी भरने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिससे बायोमेट्रिक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से छात्र बाहर ही नहीं निकल पाए और धीरे धीरे सिंगल एंट्री वाले 12 फीट वाले बेसमेंट में पानी दाखिल होता गया। बेसमेंट के अंदर हालत ये थी कि टेबल कुर्सियां तैर रही थी। 14 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। दरवाजा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से तीन लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने, शुरुआत में कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज हो गया था कि वो फिर और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे।
क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। तीन छात्रों की मौत से दूसरे छात्रों को भी भारी सदमा पहुंचा है। छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली सरकार, MCD और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। पीपल आर सेइंग कि डिफरेंट टाइप की अथॉरिटीज यहाँ पे नहीं आई, दे ऑल केम, दे ऑल वर पार्ट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस, ऑल मींस ऑल, हूएवर, आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हो सब यहाँ पे आए थे। पूरी घटना के बाद दिल्ली में सियासत का पारा भी हाई हो चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य सवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए भाई, 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? एक साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। स्वाति का कहना है कि समय रहते नालों की सफाई हो जाती तो ऐसा हादसा सामने नहीं आता। हर एक परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और MCD के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन AC में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है कि घटना के मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है, संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंग्लिश मीडियम से UPSC परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कोचिंग सेंटर की अधिकतर लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। एक हादसा होने के बाद सिस्टम की कलई खोलती दिख रही है। यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती है यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95% हर एक गली में, मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट, और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है, और 2500 3000 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के। हाल ही में नॉर्थ कैंपस इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। अब इस दिल दहलाने वाली घटना से छात्र दहशत में है। हर साल दिल्ली बारिश में डूब जाती है, लेकिन सिस्टम की नाकामी अब जान पर भारी पड़ रही है। तीन होनहार जो अपना भविष्य सवारने राजधानी आए थे, वो इस घनघोर लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।